इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो फाइनल मुकाबला होने वाला है पीकेएल सीजन 6 का। जी हाँ, बेंगलुरु बुल्स वर्सेस गुजरात हॉर्नेट्स के बीच में खेला जाने वाला है कल ये फाइनल मुकाबला। और इस फाइनल मुकाबले के हम आपको देने वाले हैं स्टार्टिंग सेवन, दोनों ही टीमों की मैच एनालिसिस, हेड टू हेड परफॉर्मेंसेस और मैच प्रिडिक्शन। लास्ट में हम ये परसेंटेज भी बताएंगे कि कौन इस मैच को जीत सकता है, किसके ज़्यादा परसेंट चांसेस इस मैच को जीतने के। सो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेंगलुरु बुल्स की क्या स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है। सो गाइस, यहाँ पे सेंटर पोजीशन में खेलने वाले हैं पवन कुमार शेरावत, उसका नाम बात करें राइट कवर की। सो गाइस, राइट कवर के पोजीशन में खेलने वाले आशीष सांगवान और लेफ्ट कवर के पोजीशन में खेलने वाले हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह का पिछले मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, हाई फाई भी लगाया था उनने और बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाया था पिछले कुछ दो मैचेस में। सो यहाँ पे उनकी जगह पूरी पक्की है और वाइज दोनों कवर्स मुझे मजबूत लगते हैं बेंगलुरु बुल्स के, आशीष सांगवान और महेंद्र सिंह के। इसके अलावा बात करें रेडर्स की, सो वाइज राइट इन की पोजीशन में खेलने वाले हैं रोहित कुमार और लेफ्ट इन की पोजीशन में खेलने वाले हैं सुमित सिंह। जी हाँ, सुमित सिंह एक नया नाम है तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा बात करें कॉर्नर्स की, सो वाइज राइट कॉर्नर में खेलने वाले हैं राजू लाल चौधरी और लेफ्ट कॉर्नर में खेलने वाले हैं अमित शौरन। वैसे दोनों ही नए प्लेयर हैं पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमबैक कर रहे हैं दोनों ही प्लेयर ने और गाइस दोनों कॉर्नर्स बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। सो इसलिए इनको फाइनल मैच में जगह मिली है। उसके अलावा बात करें गुजरात हॉर्नेट्स की स्टार्टिंग सेवन की, यहाँ पर सेंट्रल पोजिशन में रहने वाले सचिन तंवर, राइट कवर के पोजिशन में रहने वाले सुनील कुमार और लेफ्ट कवर के पोजिशन में रहने वाले प्रवेश भैसवाल। दोनों ही सबसे मजबूत कवर से अभी तक के पीकेएल सीजन 6 का, और गाइस मुझे लगता है आज के मैच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहने वाले हैं दोनों का। उसका आरंभ करते हैं रेडर्स की, जो है राइटिंग के पोजीशन में खेलने वाले के प्रपंजन और लेफ्ट इन के पोजीशन में खेलने वाले रोहित गुलिया। रोहित गुलिया का पिछले कुछ मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है इसलिए उन्हें फाइनल में जगह मिल रही है। उसका आरंभ करते हैं राइट कॉर्नर के, जो है राइट कॉर्नर के पोजीशन में खेलने वाले हादी ओस्ट्रोक और लेफ्ट कॉर्नर के पोजीशन में खेलने वाले सचिन विटला। गाइस दोनों ही कॉर्नर्स मुझे बिल्कुल टक्कर के लग रहे हैं बेंगलुरु बुल्स को। गाइस बेंगलुरु बुल्स के कॉर्नर और गुजरात हॉर्नेट्स के कॉर्नर्स बिल्कुल भी ज़्यादा ढंग से अनुभवी नहीं है, बट अगर बात करें कवर्स की, तो गाइस कवर्स दोनों ही टीमों के अनुभवी हैं। और रेडर्स की बात करें तो गाइस रेडर्स तो हैं दोनों टीमों के टक्कर की, जहाँ पे अगर सचिन तंवर है तो वहाँ पे रोहित कुमार, यहाँ पे अगर पवन कुमार शेरावत है तो दूसरी टीम में के प्रपंजन भी है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड एनालिसिस की। सो आपको जैसा पता होगा क्वालिफाई वन इन्हीं दोनों टीमों के बीच में हुआ था और गाइस इन दोनों टीमों का जो रिजल्ट रहा था वो रहा था गुजरात हॉर्नेट्स 29 पॉइंट और बेंगलुरु बुल्स 41 पॉइंट। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से हराया था गुजरात हॉर्नेट्स को बेंगलुरु बुल्स ने। सो ये थोड़ा रहेगा कि गुजरात हॉर्नेट्स को थोड़ा इस चीज़ का डिसएडवांटेज रहेगी और एडवांटेज रहेगी बेंगलुरु बुल्स के पास, क्योंकि उन्होंने पहले हरा चुके हैं गुजरात हॉर्नेट्स को। उसका हम बात करें प्लेयर बैटल की, सर सबसे तगड़ी प्लेयर बैटल होने वाली है, सुनील कुमार और प्रवेश भैसवाल से टक्कर लेने वाले हैं रोहित कुमार और पवन कुमार शेरावत, जैसे कि इनके पहले की मैचेस में भी टक्कर रहती हैं। उसके अलावा अगर बात करें सबसे लास्ट में मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है कि गुजरात हॉर्नेट्स के मैच जीतने के चांसेस हैं 51% और 49% चांसेस हैं बेंगलुरु बुल्स के। और गाइस ये जो परसेंटेज है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, अगर पवन कुमार शेरावत ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रोहित कुमार उन्हें पूरा सपोर्ट देते हैं। तो जैसे कि पिछले मैच हमने देखा था कि रोहित कुमार ने सुपर 10 लगाया था और साथ साथ पवन कुमार शेरावत ने भी 14 रेड पॉइंट्स लिए थे, अगर ऐसा ही प्रदर्शन आज के मैच में रहता है तो मैं मानता हूं कि यहां पे गुजरात हॉर्नेट्स को अपने दूसरे फाइनल में दूसरी हार प्राप्त करनी पड़ेगी। पवन कुमार शेरावत पे पूरी नजर टिकी हुई है कि पवन कुमार शेरावत कैसा प्रदर्शन करते हैं। पवन कुमार शेरावत का मेन क्या रहता है कि वो कॉर्नर्स में ज़्यादा पॉइंट लेते हैं और आज के मैच में यही करना पड़ेगा, कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट लेने पड़ेंगे और पूरा मैच झुका देना पड़ेगा फर्स्ट हाफ तक ही बेंगलुरु बुल्स को अपनी तरफ, जब जाके सेकेंड हाफ में वो सचिन तंवर जैसे बड़े रेडर को टैकल करने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। सो गाइस यही थी एक स्टार्टिंग सेवन की वीडियो, अब मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको बताऊंगा कि किस टीम के जीतने के चांस सबसे ज़्यादा है, कौन सी टीम फाइनल को जीतेगी, ये मैं आपको पूरा गारंटेड बता दूंगा। सो मैं तो अक्सर लेकिन जगह देशों को जय हिंद, वंदे मातरम।